10 मिनट का डिक्टेशन है रामधारी गुप्ता जी का, खंड एक से प्रतिलेखन संख्या 37-38। डिक्टेशन शुरू होता है अब, रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर जो चर्चा चल रही है उसमें भाग लेते हुए मैं भी अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस पर विचार करते समय दो स्थितियों को हमें दृष्टि में रखना होगा। एक दृष्टि यह है कि किस हालत में हमारा देश गुजर रहा है, उसमें हमें क्या करना है, और दूसरी दृष्टि यह है कि भविष्य में देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब तक इन दोनों दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए इस बजट को नहीं जांचेंगे, तब तक हम यह निर्णय नहीं कर पाएंगे कि यह जो बजट हमारे सामने रखा गया है वह देश की दृष्टि से उचित बजट है या नहीं। जब मैं इस समय की हालत को देखता हूँ तो मेरे सामने देश की संकटकालीन स्थिति आ जाती है। किस तरह से चीन और पाकिस्तान की तरफ से हमको खतरा है, किस तरह से वे देश पर हमला करना चाहते हैं, और किस तरह से हमारी आपसी एकता को मिटाकर हमको लड़ाकर देश में बगावत फैलाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जब मैं पिछले बजट को सामने रखता हूँ तो मुझे यह कहना पड़ता है कि आज का बजट चाहे जिस हालत में भी रखा गया हो बहुत सुंदर बजट है। एक ईमानदार कोशिश हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट को तैयार करते समय की है, लेकिन एक राजनीतिज्ञ की दृष्टि से जब मैं देश के भविष्य की ओर देखता हूँ तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि कोई खास समाधान इस बजट से नहीं निकलता। मैं जिस पार्टी से संबंध रखता हूँ उसका जो उद्देश्य है उसको सामने रखते हुए मैं यह कह सकता हूँ कि जो हमारे सामने आदर्श हैं वे सब आज ही पूरे नहीं हो सकते। हमारे वित्त मंत्री या हमारी सरकार आज ही सब कुछ नहीं कर सकती, या स्वर्ग लाकर हमारे सामने खड़ा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी यह मैं ज़रूर देखना चाहता हूँ कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है या नहीं। जिस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं उसे देखकर मुझे निराशा अवश्य होती है। जो प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ उसके मूलभूत विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ हमने यह निश्चय किया था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना खत्म होने तक देश की जनता की जरूरत की चीज़ें पूरी कर दी जाएंगी। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें
हमने साफ साफ कहा था कि जो गरीब तबका है, जिसकी गरीबी के बारे में सभी जानते हैं, उसको देश की आमदनी का जो औसत है वह अवश्य ही मिल जाएगा, और इस दिशा में हमारी कोशिश जारी रहेगी। हमारा जो बजट है उसको जब तक अपनी आर्थिक व्यवस्था या अपने विचारों के अनुसार नहीं आंकेंगे, तब तक उस ध्येय की पूर्ति नहीं हो सकती। यदि इस दृष्टि से अपने बजट को देखते हैं तो हम इसे न अधिक और कम नंबर दे सकते हैं। मेरी प्रार्थना यह है कि सरकारी या सरकार जिन संस्थाओं को सहयोग देती है उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देश की उन्नति का विचार करें, परंतु खाने की पुष्टि देकर नहीं। यह कार्य जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इसका कारण यह है कि उच्च श्रेणी आम जनता का आदर्श होती है, और जो कुछ उच्च श्रेणी के लोग करते हैं उसकी नकल कनिष्ठ श्रेणी के लोग करते हैं। इसलिए यह काम पहले उच्च श्रेणी पर हो जाए तो आम जनता पर उसका असर अवश्य गहरा पड़ेगा। सप्ताह में 2 बार भोजन छोड़ने का जो मेरा सुझाव है, इससे न केवल अनाज वरन ईंधन तेल कोयला आदि सबकी बचत होगी। भोजन छोड़ने के अलावा अन्न बचाने का और भी एक तरीका है, वह भी सामूहिक सामाजिक श्रेणी पर किया जा सकता है। जानते हैं कि इस देश में 10% अन्न कौन खराब करता है? कीड़े पंछी बंदर और बोड़ियाँ। ठीक न होने से अनाज गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। यह विचारणीय है। इस प्रकार 80 लाख टन बर्बाद होने वाले अन्न को बचाया जाए तो भारतवर्ष को किसी भी देश से अन्न की भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्रीमान, यह अपराध कबूतरों बंदरों कीड़ों आदि का नहीं है, यह अवश्य ही हमारा अपराध है। आज तक विदेशों से हमको अनाज मिलता रहा है, इसलिए हम लापरवाह थे, इसलिए अनाज का विनाश होता रहा। परंतु अकाल पड़ेगा जैसा कि इस वर्ष पड़ा है, तभी हम जागें तो यह ठीक नहीं है। हमें अन्न के नाश को रोकने की सख्त कोशिश करनी चाहिए। उसकी बचत करना हमारा परम कर्तव्य है। यह काम हर किसान बच्चा और युवक कर सकता है। अन्न बचाने की समस्या केवल कानून के जरिए हल नहीं होगी। यह बात भी सामाजिक चेतना पर निर्भर है। जनता को समझा देना हमारा काम है। अगर हमने अपने इस काम को पूरा कर दिया तो बहुत सा अन्न बच सकता है। मैं आशा करती हूँ कि आप इस ओर भी ध्यान
देंगे। यह हमारे लिए बहुत आवश्यक सिद्ध हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को यह निश्चय